तो एनडीए की बैठक जो है लगातार चल रही थी, करीब एक घंटे तक ये बैठक चली और बैठक खत्म हो चुकी है। सब रवाना हो रहे हैं घटक दलों के साथ। ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण, पीएम भी इस बैठक में शामिल हुए, अमित शाह शामिल हुए, नीतीश कुमार हैं, कई दिग्गज इसमें शामिल हुए। मंथन चला और मंथन के बाद अब ये बैठक खत्म हो चुकी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ देर बाद जो है अब कुछ बेहद खास तस्वीर जो है सामने आ सकती है। राष्ट्रपति भवन आज ही जाने के पूरे पूरे आसार हैं। एक घंटे तक ये बैठक चली है, लंबा मंथन चला है और कई सारी जो महत्वाकांक्षाएं घटक दलों के द्वारा रखी गई होंगी उन पर विचार विमर्श किया गया होगा, कोई फैसला लिया गया होगा। और अब कहा जा रहा है कि आज ही राष्ट्रपति भवन जो है पीएम मोदी जाएंगे। तो बैठक खत्म हो चुकी है, सभी रवाना हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि आज सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। समय आखिर क्या होगा, किस समय राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। पर हां, आज ही संभव है कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए। पीएम आवास पर यह बैठक चली, जो बैठक खत्म हो चुकी है। तो पौने 8 बजे के लगभग कहा जा रहा है कि आज सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। बैठक खत्म हो चुकी है और अब कुछ समय और का इंतजार करना होगा। 5:30 बज रहे हैं, 7:45 का समय निर्धारित किया गया है कि इस समय सरकार बनाने का दावा पेश नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। कुछ समय का और इंतजार करना होगा। बैठक में खूब मंथन हुआ होगा, चर्चाएं हुई होंगी, क्या क्या आखिर महत्वाकांक्षाएं घटक दलों की रही है उन पर चर्चा हुई होगी। और अब चर्चा के बाद जो है यह कहा जा रहा है कि 7:45 के लगभग सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। थोड़ा और इंतजार करना होगा, 1 घंटे बैठक चली है, बेहद ही खास ये बैठक रही होगी और अब कुछ समय का और इंतजार, जब सरकार बनाने का दावा पेश नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये बैठक बता दें पीएम आवास पर चली, दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर रहा। भवन जाएंगे और वहां जाकर राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र जो है वो बीजेपी के समर्थन में वो सौंपेंगे और बस अब से कुछ ही समय का इंतजार है, धीरे धीरे तमाम नेताओं का निकलना जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो निकलते हुए प्रधानमंत्री आवास से नजर आ रहे हैं। सभी नेताओं के धीरे धीरे काफिले जो है वो प्रधानमंत्री आवास से निकलकर यहाँ से और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, बैठक खत्म हो चुकी है, एनडीए की क्या कुछ खास निकल करके सामने आया, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार बनाने का दावा कुछ ही समय बाद पेश किया जा सकता है। देखिए, एनडीए की बैठक खत्म हो गई है और जो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसमें एनडीए के सारे घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है और कहा है कि जो सरकार के लिए मैंडेट एनडीए को मिला है ऐसे में सभी ने एकजुटता भी दिखाई है। और जो सूत्र बता रहे हैं तकरीबन 7:30 बजे से 7:45 के बीच में जो तमाम एनडीए के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह, ये सारे जो नेता हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एनडीए की तरफ से पहला तो जो है वो समर्थन का पत्र दिया जाएगा और उसके अलावा सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जिस तरह से आज अभी बैठक हुई है उसमें साफ कर दिया गया है कि एनडीए घटक दल जो प्री पोल अलायंस हुआ था वो पूरी तरह से इंटैक्ट है, वो उसमें एकजुटता है और आगे आने वाले वक्त में एकजुट होकर के ये सरकार बनाने जा रही है। ठीक जी, सरकार बनाने का दावा तो पेश किया ही जाएगा। साथ ही साथ देखिए, इस जो ये बैठक थी इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर उस बैठक में क्या खास रहा होगा। 1 घंटे तक करीब ये बैठक चली है, क्या क्या कुछ भी संकेत, क्या बातचीत हुई हो, किस बात पर हामी भरी गई हो और आगे बढ़ने की बात कही गई हो। देखिए, जो अभी तक जो बातें सामने आ रही है, चूंकि बैठक अभी खत्म ही हुई है, नेता वहां से निकल रहे हैं, लेकिन जो अभी बैठक के अंदर से जो खबरें निकली हैं उसके मुताबिक सभी घटक दलों ने एकमुश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है और सभी नेताओं ने कहा है कि ये जो मैंडेट मिला है, चाहे वो चाहे किसी भी घटक दल को मिला हो, वो एनडीए को मैंडेट मिला है, एनडीए को बहुमत मिला है
और एकजुट रहने का यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि सभी लोगों ने बात दोहराई है, और यही वजह है कि अब जो है वे एनडीए घटक दल एकजुट होकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी राष्ट्रपति के सामने, यानी कि बताएगी पहले तो कि ये जो एनडीए अलायंस है उनको बहुमत है, और उसके बाद अपना समर्थन पत्र जो कि औपचारिकता होती है वो दिया जाएगा, और दावा पेश करके सरकार बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की एक तरह से कह सकते हैं अर्जी देगी। ठीक 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 अनूप, आप लगातार बने रहिए, विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, करीब एक घंटे तक ये बैठक चली है, बेहद खास उस बैठक को माना जा सकता है एनडीए की जो बैठक चली है, पर सवाल यहाँ पर ये भी है, क्या इतनी सारी महत्वाकांक्षाओं के बीच में क्या ये एक घंटे की जो बैठक हुई है ये काफी थी, इसमें ही सब कुछ तय हो गया, सब भी जो मनाना था मान मनोबल की चीजें करनी थी सब कुछ हो चुकी होंगी? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम मान मनोबल की बात करें या सबके महत्वाकांक्षा की बात करें, तो बीजेपी के नेताओं से जब हमने इसको लेकर के सवाल पूछा था और इसको लेकर के चर्चा की थी, तो उस समय बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि जब 2014 के बारे में बात करें या फिर 2019 की बात करें, जब सरकार जो थी मोदी सरकार 1 और 2 जो थी, उस वक्त बीजेपी को पूर्ण बहुमत में थी, चाहे 272 का जो मैजिकल नंबर है उसे बीजेपी क्रॉस कर की थी, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त भी एनडीए की सरकार बनाई थी और एनडीए के घटक दलों को सरकार में शामिल किया था, और इसके बाद अब जब 2024 के बारे में बात करें, हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि उनके नंबर थोड़े से जो मैजिकल नंबर है उससे कम है, लेकिन फिर भी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सहयोगी दलों का समर्थन में किया था एनडीए 1 और एनडीए 2 में, उसी तरह का जो समर्थन और सामंजस्य जो है वो इस बार भी चलेगा। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें नीतीश कुमार की बात करें, जब 2019 में वो सरकार में थे, तब पहली बार जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था, उस वक्त उनके कोई भी सांसद ने सरकार में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उस वक्त फॉर्मूला तय हुआ था कि सहयोगी दल के एक एक व्यक्ति को ही सरकार में जगह मिलेगी, और इसके कारण सामंजस्य बिठाना। विनीत देखिए, एन स्क्वायर की यहां पर बातें, चाहे हम नीतीश की बात करें नायडू की बात करें, दोनों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, और नायडू की बात करें तो कई सारे मंत्रालय उनके जहन में जो सामने रखे भी गए होंगे, तो क्या लगता है कि वो जो सामंजस्य बिठाना है अपने नेताओं के बीच में, अपने दिग्गजों के बीच में, और इन दोनों की महत्वाकांक्षा क्या वहां पर बैठ पाई होगी, और इतने समय की बैठक में बैठ पाई होगी या उसे बात के लिए छोड़ दिया गया होगा? हाँ जी, निश्चित तौर पर देखिए, वह अगर सरकार बनाने की बात हो तो निश्चित तौर पर जो वह घटक दल हैं, चाहे जेडीयू की बात करें या टीडीपी की बात करें, क्योंकि दो बड़े वह घटक दल जेडीयू और टीडीपी हैं, और उन्होंने साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में की में होगी और उस वक्त बैठक में हुई होगी, तो निश्चित तौर पर अपनी बात रखी होगी, और जिस तरह की जो उनकी उम्मीदें हैं या फिर हम कह सकते जो उनकी महत्वाकांक्षा हो, चाहे अधिक से अधिक संख्या में मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात हो या फिर मनचाहा विभाग जो हो वो लेने की बात हो, निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी अपनी बात जो है वो की होगी, इसको लेकर के जो अपनी डिमांड है वो रखी होगी। अब यह देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जब अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो संविधान में प्रधानमंत्री को ही अपने मंत्रिमंडल गठन करने का विशेषाधिकार है, और प्रधानमंत्री का ही विशेषाधिकार है कि आखिरकार कौन सा मंत्रालय किसी दिया जाए, तो यहां पर जो है अब यह देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इतना आसान नहीं होगा, बड़े बड़े मंत्रालय इतने बड़े मंत्रालय किसी और को दे देना, घटक दलों को दे देना और अपनों को निराश कर देना। विनीत जी, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर और भी है, अगर हम बात करें जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं सीसीएस जो होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें गृह मंत्रालय आता है, प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्रालय आता है, इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय आता है और विदेश मंत्रालय आता है, तो बहुत कम उम्मीद है कि जो सीसीएस के जो सदस्य होंगे या फिर इससे जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं उसे अपने सहयोगी दलों को दिया जाए।
जाए, इसकी संभावना हालांकि कम है। हमारी जो सूत्रों से बात हुई है, बीजेपी के जो सूत्रों से बात हुई है, उनके अनुसार बीजेपी जो है वो ये जो बड़े मंत्रालय हैं, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, वो मंत्रालय अपने खाते में ही रखेगी। अन्य मंत्रालयों में बीजेपी जो है वो साझेदारी कर सकती है। अगर हम टीडीपी की बात करें तो टीडीपी में हो, चंद्रबाबू नायडू हो, खासा ध्यान जो उनका रहता है टेक्नोलॉजी पर में रहता है। उन्होंने जब वो अपने कार्यकाल में थे तब उन्होंने आईटी हब बनाने की बनाया था हैदराबाद को, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आईटी से जुड़ा हुआ मंत्रालय जो है वो उन्हें दिया जा सकता है। या फिर जो हालात इस समय बने हुए हैं उनको देखते हुए यहाँ पर पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जा रही होगी, हर तरफ से ही जो मांगी गई है या डील चल रही है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है ना कि बीजेपी के पास इस तरह की कोलिशन वाली सरकार में जहां पर वो डोमिनेटिंग पोजिशन में ना हो, वो सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, क्योंकि हमेशा उसका अपर हैंड रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में कितना कहां तक एडजस्ट हो पाएगा, इसी को लेकर विपक्ष मुद्दा ही बना रहा है। इंडिया गठबंधन कह भी रहा है कि कब तक चला लीजिएगा सरकार ऐसे। जी निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन ने दावों के लेकर के जब हमने कई लोगों से बात की थी, बीजेपी के नेताओं से बात की थी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो हमारे चलाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो सरकार बनाने का भी दावा कर रहे थे, और जो कि दावा कितने बड़े खोखले थे। एक और बड़ी बात आपके पास, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब एक घंटा ये बैठक चली है, 60 मिनट ये बैठक चली पीएम आवास पर, और यहाँ इस बैठक में मंथन किया गया है। हालांकि प्रीपोल अलायंस है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई असमंजस नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस की बैठक भी जो आगे अब शुरू होने वाली है लगभग एक घंटे के बाद ही, उस बैठक के मद्देनजर भी पहले से ही यहाँ पर तैयारियां पुख्ता की गई है, और ये कहा जा रहा है कि आज ही एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर देगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए की बैठक में 16 दलों के नेता मौजूद रहे। अमित शाह, राजनाथ सिंह अब पीएम आवास से निकल चुके हैं, कुमार स्वामी भी पीएम आवास से निकले। थोड़ी ही देर में यहां राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे, जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा अब से थोड़ी ही देर में। तो करीब 60 मिनट ये बैठक चली है, और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं तमाम ग्राउंड पर हैं और आप तक हर पल की हलचल पहुंचा रहे हैं। विनीत हमारे सहयोगी से हम बात कर ही रहे थे, ललित भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। ललित, जिस तरह से नीतू ने भी जिक्र भी किया एन स्क्वायर का, सभी की निगाहें नीतीश और नायडू पर है। पहले भी दोस्ती रही है लेकिन अदावत भी हुई है, और अब एक बार फिर दावा, नायडू ने तो खुलकर कहा है कि एनडीए में है, एनडीए का हिस्सा है और सरकार बनाई जाएगी। लेकिन नीतीश ने कहा सरकार तो बनेगी ही, किसकी कैसे इस पर कुछ साफ नहीं कहा। जी यही दरअसल उनकी राजनीति का स्टाइल रहा है। जैसे कल का हम घटनाक्रम हम शुरुआत से हमारे दर्शकों को लगातार अपडेट रखे हुए हैं। कल मैं आपको बताऊं कि कल जब लगातार नीतीश से मिलने की कोशिश की जा रही थी, दरअसल वो एक तरह से लापता हो गए थे, गुमशुदा हो गए थे, मुलाकात वो नहीं कर रहे थे, इस वजह से ही स्थितियां बन जाती हैं। कभी कभी थोड़ा सा माइलेज बढ़ाने के लिए भी इस तरह के घटनाक्रम होते हैं। खैर, सियासतदान है वो अपनी जाने, लेकिन हम लगातार ही अपडेट कर रहे थे। एक बात जो आपने कही बहुत मार्के की बात, जब आप जिक्र कर रही थी चंद्रबाबू नायडू का, तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कल जिस तरह से हवाएं बदली थीं, कल जिस तरह कांग्रेस सूत्रों के हवाले से तरह तरह की खबरें आ रही थी, इंडिया अलायंस की तरफ से तरह तरह की खबरें आ रही थी, नायडू ने एक बात साफ कर दी थी कि वो दिल से एनडीए से जुड़े हुए हैं। दरअसल उसमें जो बेहतरीन जो दो कनेक्शन काम कर रहे हैं, एक उसमें से दक्षिण के एक बहुत बड़े मीडिया मुगल जिन्हें कहा जाता है उनसे जुड़ा हुआ है, और दूसरा जुड़ा हुआ है पवन कल्याण से। पवन कल्याण का मैंने पहले भी जिक्र किया है, वो अलग किस्म के अभिनेता हैं, जनसेना वो चलाते हैं, और बहुत फ्रॉम द बिगिनिंग वो जिसको हम कहते हैं ना जबरा फैन है पीएम मोदी के। तो इस बार रिश्ते बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर सियासत में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त कभी नहीं होता है, बट इस बार मामला थोड़ा अलग है। और एनडीए कल भी हमने कहा था, कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, परिणाम जब आ रहे थे, हमने कहा था कि सरकार की सेहत पर दरअसल कोई असर है नहीं, बनेगी कैसे, फॉर्मेशन कैसे होगा, आकार कैसे लिया जाएगा, अब सारी चर्चाएं उस पर चल रही हैं। बैठकों के दौर भी लगातार चल रहे हैं, एक तरफ इंडिया की बैठक चल रही है, एनडीए की बैठक चली है, एनडीए की बैठक में सीएमपीए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने को लेकर जाहिर तौर पर चर्चा हुई होगी, और अब बस थोड़ी देर बाद एक बड़ा अच्छा शब्द मैंने अभी सुना, हमारे जो संपादक थे उन्होंने कहा एनडीए ले रहा आकार, तो बस इसी के इर्द गिर्द अब सारी कवायद है। जी
बिल्कुल, तो एनडीए ले रहा आकार और विनीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, 60 मिनट की बैठक हुई है और मंथन चला है, हालांकि शुरुआत से कल के बाद से लगातार अगर हम देखें तो जब प्रधानमंत्री मोदी कल शाम को जब उन्होंने संबोधित किया है कार्यकर्ता को, तब उन्होंने भी इसको लेकर जो पूरी संभावनाएं नई सरकार को लेकर उस पर भी बात की, और साथ ही 8 बार अगर बीजेपी का जिक्र किया आपने उस संबोधन में, तो 10 बार एनडीए का नाम लिया। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, बीजेपी के पास भले ही मेजोरिटी का आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी इस समय है। हाँ जी, निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात कर रहे हो पोर्टफोलियो के, केंद्र में पोर्टफोलियो के, लेकिन इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी हो जाता है कि अगर चाहे वो दोनों ही हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, वो केंद्र में पोर्टफोलियो लेने के साथ ही साथ यह भी कोशिश करेंगे कि उनके राज्यों को विशेष पैकेज जो है वो दिए जाए। हम लगातार नीतीश कुमार को देखते रहे हैं कि वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मांगते रहे हैं, हालांकि वे केंद्र सरकार की ओर से लगातार सफाई दी जा रही कि अब जो है वो अब विशेष राज्य के दर्जा देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वे नीतीश कुमार जो है वो बिहार के लिए स्पेशल पैकेज जो है वो मांग सकते हैं, अधिक से अधिक स्पेशल पैकेज जो है विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें, बिहार आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ राज्य है और विकास की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं बिहार को लेकर के स्पेशल पैकेज की जो मांग नीतीश कुमार है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसी तरह की मांग जो है वो चंद्रबाबू नायडू भी कर सकते हैं, वो अधिक से अधिक केंद्र से केंद्रीय सहायता की बात हो, या फिर विभिन्न जोन बनाने की बात करते हैं, लगातार आईटी हब बनाने की बात हो, या फिर राज्य में आईटी को प्रमोट करने की बात हो, तो इस तरह की भी जो मांग है यहां पर अगर हम बात करें सरकार बनने के बाद जो है वो पोर्टफोलियो पर तो चर्चा होगी ही कि विभिन्न पोर्टफोलियो हो, चाहे वो अधिक मलाईदार पोर्टफोलियो हो या फिर अधिक मलाईदार पोर्टफोलियो भी नहीं, पर मोटे से मोटा पैकेज। नीतीश कुमार की मांग का आपने जिक्र किया है यहाँ पर, स्पेशल स्टेटस का बिहार के लिए। आंध्र की अगर बात करें तो वहाँ अलग चुनौतियां हैं, राजधानी की चुनौतियां भी हैं, एक आर्थिक मोटे पैकेज की मांग चंद्रबाबू नायडू कर सकते हैं। और आपको तो याद ही होगा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर गए थे मोदी सरकार के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू 2018 में, और अब इस समय वो देख रहे हैं कि वो समय की जरूरत है और बीजेपी की आवश्यकता है, तो जाहिर तौर पर कोशिश तो पूरी ही होगी कि जितना फायदा हो सके लिया जा सके उतना फायदा ले लिया जाए। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं केंद्र से जो जितना भी फायदा लिया जा सके उसको लेकर के दोनों ही व्यक्ति जो है वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी राज्य में जो राजनीति है उसे चमकाने की हम बात कर सकते हैं, उसे तमाम समीकरणों पर भी आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ललित के मन में कुछ सवाल है वो भी आपसे जानेंगे सवालों के जवाब, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक रुक रहे हैं और लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं।